नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की जनता की, खास करके जम्मू की, आए दिन जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं और जम्मू की जनता को उम्मीद है कि कौन हो गया ऐसा मसीहा जो हमारे लिए आकर आवाज उठाएगा, हमारी परेशानियों से हमें मुक्त करवाएगा। लगातार कई सारे समाजी संगठन भी सामने आ रहे और विपक्षी दल भी लगातार सत्ता पक्ष पर सवाल उठा रहे, पर आज इस समय हम प्रेस क्लब में जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच, एक मंच का गठन हुआ है। आप देखना किससे बचाओ, ये इनसे जानने का भी प्रयास करेंगे या ये ना ये कहें कि हजूर आते आते बहुत देर कर दी। चलिए जानते हैं, सर हमारे साथ शर्मा सर। सर सबसे पहले तो आपको इस मंच की बधाई है, बहुत बहुत सर, इस मंच की बहुत बहुत बधाई है आपको। शुक्रिया। किससे बचाओ जम्मू प्रोविंस, हमारी बदकिस्मती से बचाओ। नहीं, किससे बचाओ ना, बदकिस्मती किसकी वजह से आई ये भी बताइए ना। बदकिस्मती बदकिस्मती जो है वो हमारी अपनी वजह से आई है, क्योंकि कभी कोई ऐसा मंच नहीं बना जहां जम्मू की समुची आवाज़ इकट्ठी हो सकती इस प्रांत की। तो ये पहली बार है कि हम 11 मीटिंग्स करने के बाद, हमारे साथी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, मुख्तलिफ पार्टियों से भी हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं, एडवोकेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और आर्मी और दूसरे पर्सनल भी इसमें हैं। ये सारे मिलके एक फैसला हुआ है कि हम जम्मू की आवाज़ को एकत्रित करें, इसको इकट्ठी करके बुलंद करें, ताकि आने वाले वक़्त में हमारे साथ और कोई ज़्यादती ना हो। आप जैसे देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर प्रिंसली स्टेट था, दुनिया के किसी कोने में भी जाते तो जम्मू कश्मीर का नाम लेते तो कहते ये तो धरती पर स्वर्ग है। कलन ने अपनी राजतरंगिणी में इसका जिक्र किया, अगर फरदोस रुए जमी अस्त हमी अस्त तो हमी अस्त, अगर दुनिया में कोई जन्नत है तो यही है, यही है, इसी के लिए कहा। आज इस जन्नत में ये जो मंदिरों का शहर आप देखते हैं, इसको दिस इज कॉल्ड द सिटी ऑफ टेम्पल्स, बट टूडे वट इज हैपनिंग, इफ यू फाइंड that every street and mohalla is blessed with liquor shop, कोई पार्क यहाँ नहीं रहा, कोई एरिया नहीं रहा, स्कूल कॉलेज नहीं रहा जिसके आसपास में ड्रग्स एडिक्शन का सेवन जो है हो रहा है, उसको रोकना है, उससे बचाना है, हमें बेरोजगारी से बचाना है। 1 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली पड़ा है इस जम्मू कश्मीर में, यूटी में, लेकिन भरी नहीं जा रही। एप्टेक जैसी कंपनी जो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है कि ये ब्लैकलिस्ट हुई है, उनको ये दिया जा रहा। मैं तो आज उन नौजवानों का शुक्रिया अदा करते हुए उनको मुबारक दूंगा जिन्होंने ये बहुत बड़ी जंग लड़ी और एप्टेक को यहाँ से बाहर निकाला। हम तो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई एप्टेक जैसी कंपनी या कोई कंपनी भी क्यों आए, जब हमारे ऑफिसर यहाँ सक्षम हैं, वो इस काबिल हैं कि वो रिक्रूटमेंट करते हैं और उसमें कोई हेराफेरी नहीं होती, तो आज बाहर से कंपनियां लगा के क्यों हम करना चाहते हैं? तो हमें इससे बचना है। इसी तरह से अगर हम सोचें तो आज डेली वेजर जो हमारे कुछ तो रिटायर होने वाले हैं, वो रेगुलराइज नहीं हो रहे, उनकी संख्या हजारों में है, पिछले 72 महीने से उनको तनख्वाह नहीं है। हमें इस असमंजस की सिचुएशन से, इस डिजास्टर से बचना है। अगर बचने की बात करें तो आज हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का क्या हाल हो रहा है, अगर आप देखें तो हमारे नेचर रिसोर्सेज जम्मू तवी बिल्कुल पास में है, इसको आप देख के तो रोना आता है। सैकड़ों नहीं, मैं कहता हजारों के करीब गाड़ियां, ट्रक जो हैं वो हर महीने यहां से निकल रहे हैं और इसको जो मंच का पतन हो रहा है, लिखा प्रोविंस बचाओ मंच, यही कह रहे हैं। कौन सी ऐसी चीजें आपको लगी है कि नहीं, अब हमें मंच बनाकर सामने आना, आम जनता की आवाज रखना, कि किसकी, कौन से ऐसे बद से बदतर हालात हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको मंच बनाकर सामने आना पड़ा, इंटरनेशनल लोग आपके साथ जुड़े? यही तो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, कौन सी ज्यादा चीजें जो यही इफेक्ट कर रही हैं। आज सबसे बड़ी इफेक्ट तो ये कर रही है कि क्या व्यापारी तबका हमारा खुश है, क्या किसान खुश है, क्या मजदूर यहाँ का खुश है, क्या यूथ नौजवान खुश है, क्या स्कूल जाने वाला बच्चा जो अपने स्कूल में जा रहा है और वह उसका सब्जेक्ट टीचर नहीं है, क्या वो पेशेंट जो हॉस्पिटल में जा रहा है और वहाँ दवाई का इंतजाम नहीं है, वहाँ डॉक्टर का इंतजाम नहीं है, हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हैं वो रेफरल हॉस्पिटल बन गए हुए हैं, और यहाँ जीएमसी में जब आते हैं या सुपर स्पेशलिटी में आते हैं तो वहाँ इतना रश पड़ जाता है कि वहाँ एडुकेटेड स्टाफ ही नहीं है।
चलिए सर, इस समय हम सुलारिया सर सर के पास आएंगे। सर, कमियां कहां पर ये बताइए कि किस तरह के हालात बने हैं, आपको क्या मजबूरी पड़ गई कि प्रोविंस जो जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच बनाना पड़ा, इंटेलेक्चुअल लोग जुड़े हैं इसके साथ। जी जी, किस किस आपको उस स्तर पर आकर लगा कि वाकई नहीं आप जरूरी है बनाना? देखिए, इसमें आपका पहले सवाल था हमारे भाई शर्मा जी से, जी के बड़ी देर कर दी सनम आते हजूर आते आते, तो देर इज नेवर टू लेट इन द डे। अब ये बात है कि हमने देखा माइन्यूटली, क्योंकि वी आर बाय प्रोफेशन एडवोकेट्स, आपको पता है साहब भी काफ़ी उम्र का हिस्सा गुजार चुके, मेरे साथियों ने भी देखा कि हम इस सोसाइटी का एक हिस्सा हैं और थे। हमने जब देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज तो अपने मोटिव के लिए और अपने ही अपना ही उल्लू सीधा करने के लिए लगे हैं, आम अवाम गरीब अवाम या बुजुर्ग के लिए या बच्चों के लिए वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों हमारी एक जो लास्ट मीटिंग हुई, हमारे साथी थे, मैंने एक सुझाव रखा कि मैं देखता हूं, आप भी देखती हैं एज ए रिपोर्टर, कि ये जो है ड्रग्स मैनेज कितना है जम्मू में। मुझे अफसोस होता है, वो बच्चे हिंदू नहीं है, वो बच्चा हिंदू नहीं है, सिख नहीं है, मुसलमान नहीं है, वो हमारा बच्चा है। कल को खुदा ना खास्ता वो बच्चे जो फोत हो रहे हैं या अपनी माओं के साथ वो गलत उनकी चेने तोड़ के उनके कत्ल हो रहे हैं, हमारे पास केस आते हैं। तो हमें अफसोस हुआ कि ये सियासत, ये तो काम पॉलिटिकल पार्टी का था, हु हैड टू गवर्न अस एंड टू प्रोटेक्ट अस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन दे हैव फेल्ड मिजरेबली, दे हैव फेल्ड। तो अब आपका ये सवाल करना कि आपको जरूरत क्या पड़ी, ये जरूरत पड़ी जब हमारी बच्चियों को, हमारी माओं के साथ, हमारे बच्चों के साथ ये हालत हो रही है और सरकार सो रही है, है? और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ओबे नहीं कर रही। ये तो उन पर उनने ओथ ली है दिल्ली में बैठ के कि हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे, वी आर डायरेक्टली गवर्न, जैसे मेरे भाई साहब ने कहा अशोक जी ने, कि वी आर गवर्न बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, और जो वहां से फैक्स आता है वो इम्प्लीमेंट होता है। हमारे एम्प्लाईज के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, हमारे बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, अभी बताया कि लाख यहां पर एम्प्लॉयमेंट नौकरियां हैं, क्यों नहीं वो फिल कर रहे, क्या वो पैसा देख रहे हैं? और मैंने देखा अभी पिछले दिनों कई 100 ट्रांसफर्स हुई मास्टर्स की, टीचर्स की, इन्होंने जम्मू में, मैं आपके माध्यम से ये बात कह रहा हूं, इसको इंक्वायर करें, कई 100 पोस्टें जम्मू डिस्ट्रिक्ट के मेन हब में खाली हैं, वो क्यों रखी गई हैं? वो मैं साफ कहूंगा, यही वजह हुई जम्मू मंच आंदोलन, जम्मू बचाओ, कि वो पैसा खाने के लिए रखी गई हैं, और इस वक्त का रेट लाख रुपए से ऊपर है, कि 1 लाख रुपया दो, जहां चाहते हो प्राइस पोस्टिंग ले लो। ये कहां, ये कौन पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी? हम भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हैं, साहब भी हैं, बाकी भी हैं, लेकिन यहां हमने पॉलिटिकल पार्टीज का लिबास बाहर उतार दिया है। हम यहां पर डुगर प्रदेश के लिए लड़ने आया है, हम एक सिपाही है जो डुगर प्रदेश को बचाएगा। आप कहती हैं जी आपको क्या जरूरत पड़ी, अगर हम भी, आपने आप करिए, बड़ा कुछ देखती हैं आप, ज्यादा आप ज्यादा तजर्बा कार हैं, आपको हम देखते हैं मीडिया में, आपको देखते हैं, या अप्रिशिएट योर करेज एज ए जम्मू के डोगरा होते हुए आपकी करेज की मैं सराहना करता हूं, ये नहीं है, लेकिन हमारा भी तो फर्ज है, आफ्टर ऑल हमने भी तो कब्रों में जाना है, शुरुआत तो की। अच्छा, एक सवाल आपका ये था, इसका जवाब आपको मेरा ख्याल सेटिस्फैक्टरी मिल गया। दूसरा ये है कि जो आता है हमें लूट के ले जाता है। अभी मेरे भाइयों ने कहा कि जम्मू में आप चलिए, यहाँ देखिए, तमाम जम्मू में 80% हमारा डोगरा नजर नहीं आ रहा, क्या हो गया है? मजदूर देखिए, आप मेसन देखिए, आप फोरमैन देखिए, खुदा की कसम मैं जहां रहता हूं वहां पर 90% इस वक्त बाहर से फ्लो आ रहा है, जाइए। कमजोरी हम नाचे थे जब 370 का अबॉलिश यहां से निकाल दिया गया, हमने ही लड्डू तो फिर जो करना चाहता है, और ठीक है मोहतरमा, जो करना चाहता है उसको करने तो दो, आप पहले ही स्नैप कर देंगे, बच्चा होने तो दो, आप पेट में ही मार देंगे।
अब आज अगर हमने बुद्धिजीवी लोगों ने ये किया है, आए एट द कॉस्ट ऑफ माई टाइम माई प्रोफेशन, ये अपना आप क्या समझते हैं हम कोई बेकार लोग हैं? ये जज साहब हैं, ये बेकार है? हमने क्यों समझना नहीं, मिसाल तौर पे आप कह रहे हैं ना देर लग गई, हमारा तो काम है सवाल पूछना, देर हाँ वो आप पूछिए, सारा दिन जिरा हम तो यही करते हैं। अब ये है, लेट अस नॉट हैव दैट मंच। इस मंच के तहत आपका सवाल है कि जरूरत क्यों आन पड़ी और आप क्या करेंगे? देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं, आप बेहतर जानती हैं मुझसे, क्योंकि सारा दिन आपका ज्यादा वाह पैंदा है साढ़े को जनता के नाल, और तो सब कुछ दिख दियो, अजय कत्ल होया नहीं होता कि तुसे पता लगी, तुसे पता लगी जाता है, तुसे पता लगी जाता है। अच्छा हुण ये है कि ये जेड़ा मंच बचा जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच तुंदे सामने है, असे ये जरूरत के पई गई, असे अस भी सुते दे, आप बोल चुके, आप थोड़ा सा समय जैसा आप क्या कहना चाहिए, किस तरह से जम्मू की जनता का जो इस समय परेशानी में डूबी है उसको उभारने में आपका मंच उनका साथ देगा? हमारा मंच इन सब समस्याओं से उभारने के लिए ही बना है, जैसे सलारिया साहब ने कहा, हमारे चेयरमैन अशोक शर्मा जी ने कहा, उधर कुलदीप शर्मा जी ने कहा कि ये समस्या आप जैसे आप किसी चीज़ का भी देखिए, हर रोज़ एक नया नोटिफिकेशन आता है, हमारी पब्लिक को पता ही नहीं चलता कि क्या नोटिफिकेशन है। मैं गांव में भी जाता हूं, मैं और भी एनजीओ से कनेक्टेड हूं, इंटरनेशनल बॉर्डर पीपल वेलफेयर फोरम है उसका चेयरमैन हूं, तो मैं भी वहां जब जाता हूं तो कोई कहता है बाहर से कोई आ रहा है उसको 10 कनाल जगह दे रहे हैं पेट्रोल पंप लगाने के लिए, मैंने भाई किसको दे रहे हैं? कह रहे हैं बाहर से आ रही है पार्टी। मैं यहाँ पहले तो ज़रूरत ही नहीं है, गाँव में इतने रिमोट एरिया में क्या ज़रूरत है? मैंने कहा नहीं होनी चाहिए, हमारे खुद अपने यहाँ पे कितने बेरोजगार हैं उनको आप दीजिए, लैंडलेस हैं, समस्या इतनी है, जैसे रिक्रूटमेंट की समस्या, हमारे शर्मा जी ने कहा कि वो जो एपटेक के क्या है, आप कितनी एजेंसीज बुलाओगे? पहले भी तो रिक्रूटमेंट होती थी, हमारी स्टेट ही करती थी, तब कोई नहीं ऐसा घपला हुआ। आप उसी जो टेंटेड कंपनी है उसी को आप बार बार दे रहे हैं, फिर आप TCS को ला रहे हैं, तो व्हाई डोंट यू गिव इट टू द PSC एंड अवर ओन स्टेट सिलेक्शन बोर्ड, तो दे आर इक्वली कॉम्पिटेंट। तो आप ये कर रहे हो और हमारे बच्चे जो हैं वो दरबदर हो रहे हैं। पहली बात तो ये है कि डोमिसाइल की जरूरत क्या है, जब PRC है जिसके पास, डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? ए पर्सन हु इज डोमिसाइलिंग फॉर सर्टेन पीरियड, हम तो वहां यहाँ के परमानेंट हैं, हमें क्यों डोमिसाइल चाहिए? तो अच्छा अब स्मार्ट मीटर आपने थोप दिया, कल आप वाटर टैक्स लगा देंगे बिना पब्लिक को पूछे, प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे, अब ये सरोड वाला जो है इनका एक वो होता है डिस्टेंस वाइज, वो नहीं लगता है, उसको अपोज कर रहे हैं जैसे जोहर राजपूत कर रही है, ब्रिज टूटा हुआ है उसका वो है। मैं कह रहा हूँ कि इतने शॉर्ट पीरियड में मतलब डिस्टेंस में लगाना क्यों है? एक समस्या नहीं है मैडम, बहुत समस्या है, इसीलिए हम जुड़े हैं कि चलो हम लोगों का थोड़ा सा। जी सर, बेसिकली आई मस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज OP शर्मा, आई बिलोंग टू मीडिया, बोथ प्रीवियसली फ्रॉम इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पब्लिक रिलेशन एंड देन प्राइवेट मीडिया आल्सो, आई वर्क फॉर ईयर्स। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन करा कि आपने इतनी देर करी आने आते आते, और आई अप्रिशिएट इट बिकॉज ये देखें आई एम प्लस 84 प्लस हूँ, तो मुझे भी लगा कि देर हो गई है, एट माई एज एंड स्टेज आई हैव टू वर्क इन दिस जो ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच में, और इसमें हमने हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है डोगराज हैड डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, देयर ओन लैंग्वेज, देयर हेरिटेज विच इज अक्रॉस द ग्लोब मानी जाती है, हमारे बसोली पेंटिंग्स, हमारी म्यूजिक, हमारा वर्षा जो है वो बहुत कीमती है, इसमें रिसर्च हो रहा है, और ये हम इसको बचाने के लिए निकले हैं, लोग हमारे
जागृत नहीं है। आपने ठीक कहा कि देर लगा दी है। नाउ टेक माय वर्ड, टेक वर्ड ऑफ ऑल ऑफ अस एंड द पीपल ऑफ जम्मू रीजन, एंटायर जम्मू रीजन, छोटा किसी विदाउट एनी रिलीजन और रीजन, कलर कोई नहीं, जेंडर कोई नहीं, हम सारे निकलेंगे, जगाएंगे लोगों को, हम अपने काम उनसे बेटर करके हम उनको भगा देंगे। कि जो हम यही कहेंगे, सही पुंछी जी, आप भी तो एक मीडिया से तल्लुक रखते हैं, एक सवाल मैं आपसे जरूर करूंगी, जो आज जनता सड़कों पर है स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर को लेकर और टोल पर, खास करके स्मार्ट मीटर, आज लो, पहले जनता को होता था दो वक्त की रोटी कैसे कमाए, अब जनता को रोटी दाल रोटी भूल कर अब ये देख रहे हैं कि मीटर की रीडिंग किस तरह से चल रही है, वो बिल कहाँ से एकत्रित करे, ये लगता है क्या? ये जो स्मार्ट मीटर की आपने बात की है, यहाँ पर स्मार्ट मीटर की तो ज़रूरत ही नहीं थी, ये सिर्फ पैसा बाहर इकट्ठा करने के लिए जो बाहर से लोग आए हैं उन्होंने एक जम्मू के लोगों पर बोझ डालने के लिए यहाँ से पैसा कैसे ले जाया जाए वहाँ पर एक नया फार्मूला इस्तेमाल किया। एक गरीब आदमी जिसकी दो बल्ब जल रहे हैं उसका 10,000 बिल आ रहा है, कहीं दफ्तर में जाओगे कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा, शोर मचाओगे, नारेबाजी करोगे। आपका ये मंच जनता के साथ है? बिल्कुल, जनता के लिए ही बनाया, जनता की आवाज के लिए बनाया और उसी आवाज हम ऊपर तक पहुंचाएंगे, चाहे हमें लाठियां चले चाहे हमें मारें, हम उसका काम करवाएंगे और हम अपने उपराज्यपाल जी से निवेदन भी करते हैं, लेकिन ठाट से कहते भी हैं अगर आपने जम्मू में रहना है, उपराज्यपाल बनना है तो इन लोगों की आवाज सुनो, बाहर से लोगों को मत लाओ, यहाँ के लोगों की आवाज सुनो ताकि जम्मू में आप टिक के बैठ सको 2 साल 6 महीने। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अल्टीमेटली एक मंच तो बना जिसे जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच के नाम से, और यहाँ पर आपने देखा इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ पर बैठे हैं और जो कहीं ना कहीं जनता की आवाज, इन्होंने कहा कि जनता के जितने भी मुद्दे हैं नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे हटकर, यानी सियासत का जो चोला उतार कर सिर्फ आम जनता की आवाज को आगे लाएंगे और कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को जगाने का प्रयास करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं जो भी संगठन बनते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनती है, पहले बड़े बड़े दावे तो करते हैं पर मजा तो तब आता है कि अगर जो दावों को अमली जामा पहनाया जाए। चलिए देखते हैं, सीनियर लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनमें से जुडिशरी के लोग भी हैं और भी इंटेलेक्चुअल लोग, आप देखते हैं ये किस तरह से जम्मू की जनता के साथ उनकी आवाज में आवाज मिलाकर आगे निकलते हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय जवाहर।